नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है दोबारा से एक नई वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीएफ बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हो अगर आप एम्प्लॉय हो। क्योंकि पीएफ का ऐसा मतलब कोई सिंपल सा तरीका नहीं है, ना ही आपकी कंपनी आपको बार बार बताती है कि भाई आपका इतना पीएफ हो गया, उतना पीएफ हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा तरीका होना चाहिए, जिससे आप पता कर पाओ कि आपका पीएफ कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो गया गवर्नमेंट के फंड में, आपका कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है गवर्नमेंट के पास। ये कैसे जानना है, देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ हाँ हाँ, देखो अब। अब देखिए, पीएफ को पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका जो है वो यहाँ पे है कॉलिंग का तरीका। क्योंकि कॉलिंग में आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक मोबाइल नंबर याद रखना है, उस नंबर को आपको सिंपली डायल करना है और बस यहाँ पे हो गया आपका काम। तो कैसे करना है इस चीज को करके दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना डायलर खोल लीजिए और वहाँ पे एक नंबर टाइप करिए जो है 011-2290-1406। वैसे यहाँ पे ना नंबर याद करने की जरूरत नहीं, उससे एक आसान काम है। आप क्या कर सकते हो, इस नंबर को आप सिंपली सेव कर लो। जैसे आप रामू श्यामू या इसको उसका नंबर सेव करते हो अपने फोन का डायरेक्टरी में, वैसे ही आप नंबर सेव कर लो, यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर महीने आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली अपना डायलर खोलो, वहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट में नंबर ढूंढो और उसको डायल कर दो। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपली इस नंबर पे डायल करना है और यहाँ पे इस नंबर पे डायल करते ही ऑटोमेटिक ये नंबर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कुछ देर बाद, मतलब कुछ सेकंड्स बाद, पीएफ ऑफिस से या गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन और जितनी सारी डिटेल्स है वो सारी वहां पे लिखी होंगी। चाहे वहां पे क्या यूएन नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, मतलब ये सब कुछ होगा, लेकिन सब स्टार मार्क होगा, मतलब आगे पीछे के डिजिट के ओपन होंगे, तो उसके थ्रू आपको पता लग पाएगा कि हाँ ये आपका ही है। अगर कोई गलती हुई तो आप रिपोर्ट करो, गलती नहीं है तो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे हम इस नंबर पे करते हैं डायल और देखते हैं कि कैसे ये होता है कमाल। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे नंबर डायल। ये होता है क्योंकि गवर्नमेंट का नंबर है, तो ऐसी चीजें आ दिया, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोबारा से ट्राई करते रहना है। तो एक बार और करते हैं, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिर से व्यस्त है, फिर से करते हैं, बाद में दोबारा डायल। और ऐसे कॉल लग जाएगा आपका कभी ना कभी। इसके बाद देखिए, आपका नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा उधर से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे आपको ऐसा पॉपअप आएगा, एक मैसेज आएगा जिसमें आपको ईपीएफओ की तरफ से आएगा, VKEPFOHO हेड ऑफिस से आएगा, उसमें आपको लिखा होगा कि डियर मेंबर, आपका यूएन नंबर ये है, आपका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, उसके बाद आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक डिटेल्स और फिर यहाँ पे आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जितना भी वही आपका कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे लास्ट कंट्रीब्यूशन कब किया गया है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करने के बाद देख सकते हो। तो ये था दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा तरीका कि अगर आपको अपना पीएफ चेक करना है तो भैया इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अपने कंपनी के एचआर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये नंबर है, इसको आप सेव कर लो अपने कॉन्टेक्ट में और हर महीने जब भी आपको अपना पीएफ चेक करना हो नंबर डायल करो और आपका पीएफ कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे बस एक कंडीशन है कि ये जो मोबाइल नंबर है ये आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं किया तो उसके लिए आप अपनी कंपनी से बात करो, वहाँ पे अपने एचआर को बोलो कि भैया ये जो अकाउंट नंबर है इसको मेरे मोबाइल नंबर से लिंक कर दो, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको कुछ भी पता करना हो तो आप इजीली कर पाओ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थी एक छोटी सी वीडियो, एक क्विक अपडेट की कैसे आप अपने पीएफ को चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, आगे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।